दोस्तों, दिल्ली की सबसे लजीज निहारी की बात हो और शाहीन बाग के बल्ली महारान निहारी का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दिल्ली की तंग गलियों से स्टार्ट हुआ ये जायका आज अपना सफर तय करके आ चुका है जयपुर राजस्थान में, और आज हम हमारे निहारी लवर्स के लिए लेकर आए हैं दिल्ली का मशहूर बल्ली महारान निहारी की पूरी रेसिपी, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए निहारी के इस लाजवाब जायके की पूरी मेकिंग देखते हैं, और आपको आज जायकेदार नल्ली निहारी पर घी का तड़का लगाकर दस्तरखान पर बैठकर आपको खाकर भी बताते हैं। सबसे पहले शुक्रिया अपनी निहारी की पूरी रेसिपी देने की। बिल्कुल बिल्कुल। तो बल्ली महारान तो आप जानते ही हो, दिल्ली का बहुत बड़ा नाम है ना, दिल्ली का बहुत बेहतरीन जायका है जो जयपुर में आ गया है। फिलहाल देखो पूरा इन्होंने जो है ना यहाँ पर जो नल्ली निहारी की पूरी रेसिपी की इन्होंने तैयारी की हुई है, पूरे मसाले यहाँ पर रखे हुए हैं, देख चढ़ा दिया इन्होंने ऑलरेडी। तो सर सबसे पहले तो आपका नाम बता दें। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन। तो ये सर निहारी का जो ऑथेंटिक टेस्ट है ना, वो पूरे जयपुर के अंदर कहीं भी नहीं है। और निहारी जो है मेरी फेवरेट डिशों में से एक है, तो कई जगह मैंने निहारी ट्राई की, लेकिन जो टेस्ट दिल्ली के अंदर जो टेस्ट है वो टेस्ट मुझे कहीं भी नहीं मिला। बढ़िया। तो अभी जो अपन निहारी बना रहे हैं उसके लिए अपन क्या क्या यूज कर रहे हैं? ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ये अदरक का पेस्ट है, ये लहसुन का पेस्ट है, ठीक है। ये तली हुई प्याज है, ये हमारा बल्ली महारान का स्पेशल मसाला है। अच्छा। जो बल्ली महारान की जान है। तो सीक्रेट रिवील नहीं करोगे? वो रिवील नहीं करेंगे। तो ये अच्छा। चीज जो है ये हमारी बिल्कुल बल्ली महारान की जान है ये मसाला। तो और बाकी तो बुनियादी और चीज बुनियादी मसाले हैं। ये एक बेसन है, एक सत्तू है इसके अंदर। एक सत्तू और एक बेसन है। जी 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 जी। तो बेसन भी डलता है? जी, बेसन, सत्तू और आटा। वैसे तो मैंने सुना था आटा और ये सत्तू डलता है, बेसन का नहीं सुना। बेसन भी डलता है। जो मटन निहारी बना रहे हैं? जी जी, मटन निहारी बना रहे हैं। मटन कितने किलो, मतलब जो बकरे कितने किलो है? 6 किलो गोश्त है, या बाकी बकरे का जो वजन है ना, करीब 12 से 15 किलो वजन का अपन बकरा लेते हैं नहारी के लिए। और नहारी के अंदर मटन की भी मैं रान वाला पार्ट लेता हूँ, क्योंकि नहारी के लिए मोटा गोश्त चाहिए होता है, चाप का या हड्डी वाला ऐसा गोश्त चलता नहीं नहारी के अंदर। अभी सर स्टार्ट करते हैं? जी सर, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। इसमें अपन ने क्या डाला है सबसे पहले? सबसे पहले इसके अंदर अपन ने तेल ऐड किया है। सबसे पहले सर लहसुन अदरक का पेस्ट डलेगा इसके अंदर। देखो सबसे पहले डलेगा ये लहसुन। और उसके बाद अदरक डाल देंगे डायरेक्ट? जी, अदरक डालेंगे इसको। देखो दोस्तों, अभी जो है ना हमने इसमें डाल दिए थे अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट, और अभी टमाटर ऐड किया जा रहा है इसके अंदर। प्यूरी भी डाल दी। 6 किलो बना रहे हैं तो टमाटर की प्यूरी उसमें कितनी डाली है अपन ने? 1.5 किलो। मतलब सब कुछ फास्ट डल रहा है ना? जी जी जी, थोड़ी थोड़ी बुनाई होती रहेगी, सामान डलता रहेगा। अच्छा। फिर उसके बाद सारा सामान डल जाएगा, तब उसके अंदर लंबी बुनाई हुई। अच्छा। तो मतलब सामान तो जल्दी जल्दी ही डलेगा। जी 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 जी। और नमक और लाल मिर्च। नमक और लाल मिर्च इन्होंने उठा लिया है, क्योंकि भट्टी में क्या है कि पकावट थोड़ी जल्दी होती है ना। जी जी जी, बिल्कुल। अंदर गोश्त ऐड किया जाएगा। अच्छा, गोश्त भी डाल दिया। मटन डाला जाएगा सर इसके अंदर। अब देखो दोस्तों एक बार मटन, फिर मैं आपको एक बार रंगत दिखा देता हूँ मटन की। और ये देखो अब ना इसमें बॉम्ब वाला पीस है। अब इसके अंदर मटन डालने के बाद इसकी बुनाई होगी, उस बुनाई में थोड़ा मटन गल जाएगा। अच्छा। बाकी फिर और मसाले डालेंगे इसके अंदर, सत्तू बेसन वगैरह डालेंगे, उसके बाद फिर उसकी बुनाई होगी। तो अभी मटन डालने के बाद कितनी देर की बुनाई होगी? अभी ज्यादा ज्यादा 15-20 मिनट बुनाई होगी, मैक्सिमम आधा घंटा मान लीजिए। ये देखो दोस्तों इसमें अभी गोश्त डल गया है, और देखो बिल्कुल सुर्ख लाल है। जी बिल्कुल। जो लाल मिर्ची हमने डाली थी। जी जी। कौन सी लाल मिर्ची थी ये? सर दिल्ली से आती है अपने मसाले सारे। अच्छा, क्योंकि फ्रेंचाइजी है तो आपको सारे मटेरियल, सारा मटेरियल वही चेंज नहीं कर सकते? हाँ, चेंज नहीं कर सकते है ना। चेंज, क्योंकि एक बहुत बड़ी लेगेसी है जिसको आप आगे बढ़ाओगे। तो सर इस मसाले का बोलोगे नहीं क्या आप? नहीं सर, इसका रिवील नहीं कर सकते हम। अच्छा, बाकी मोटा मोटा आपको बता दें कि इस मसाले के अंदर 80 से 85 तरह के आइटम डले हुए हैं। 80 से 85 तरह के आइटम डले हुए हैं, और उसके अंदर भी 60% तो इंडिया में मिल जाते हैं, 40% जो वो अफगानिस्तान से इम्पोर्ट होता है। अच्छा। जी जी। अब हमारे जो दिल्ली के अंदर जो मेन ब्रांच है शाहीन बाग के अंदर, ओखला के अंदर, वहाँ पे हमारे उस्ताद हैं मुस्तफ़ा उस्ताद, वो हमारे हेड कुक हैं इसके। अच्छा। उन्हीं के की टीम तैयार की हुई है, जो पूरे इंडिया में ब्रांचें चल रही 17-18, उन पर सब पे उन्हीं के चेले हैं, उन्होंने ट्रेंड करके भेजा है उनको। अच्छा। तो अगर आप शाहीन बाग जाना हो एक बार, तो मुस्तफ़ा उस्ताद के हाथ की भी नहारी एक बार टेस्ट करके आए आप। ये अपनी सर बुनाई चल रही है कंटिन्यू, और उसको 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं। जब से अपने भट्टी जलाई है तब से इसकी कंटिन्यू बुनाई है। सही बात। 1 मिनट के लिए भी बंदे का हाथ नहीं रुका है।
ये देखो यार, ये नली के पीस है इसके अंदर, और ये ग्रेवी देखिए आप, टेक्सचर देखिए इसका भी। अभी आप देख लो, बहुत शानदार। अभी इसके अंदर नारी का टेक्सचर आने में थोड़ा टाइम लगेगा, अभी इसमें और सामान डलेगा, मसाले डलेंगे, फिर वो टेक्सचर आपको दिखेगा इसका। अभी नेक्स्ट क्या डालने वाला है? अभी नेक्स्ट अपन प्याज डालने वाले हैं इसके अंदर, तली हुई प्याज है ये। आपने ब्राउन किया हुआ है? जी जी, ये 1.5 किलो है कच्ची प्याज, और तलने के बाद ये क्वांटिटी हो जाती है, तो ये अपन ऐड करेंगे। तो इससे एक तो दाना भी बनेगा? जी, दाना बनेगा इससे, है ना? जी जी, जायका तो देगा। मतलब मुगल डिशेज में ये सबसे मेन चीज होती है, देखा है? हाँ, वैसे बिल्कुल। ये देखो दोस्तों, अभी जो है ये प्याज भी डाल दिया, और प्याज को बिल्कुल ब्राउन करके, बरिस्ता को बिल्कुल पीस करके, और फिर इसमें डाला जाता है, जिससे थिकनेस बनती है, दाना बनता है। आगे आप देखो, जब से निहारी बनना स्टार्ट हुई है ना, तब से इनके हाथ रुके नहीं है, चलते ही जा रहे हैं। जब से बत्ती जलाई है तब से लेकर के, यही मेहनत है नारी के अंदर। हाँ। कि इसको 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं छोड़ना, दम पे लगाने से पहले तक। अच्छा। जनाई जो है वो कंटिन्यू चलनी चाहिए, जितना कफगीर चलाएंगे उतना ही लजीज टेस्ट आएगा इसके अंदर। और नहारी बनाने के लिए ऑथेंटिक तरीका भी यही है, उसका कफगीर रुकना नहीं चाहिए, माइल्ड होती है। मतलब किसी भी डिश का कोई टेस्ट अगर है ना, तो उसको स्पाइसी करना मतलब वो टेस्ट नहीं है, उसका ऑथेंटिक जो टेस्ट है ना वो माइल्ड में ही आएगा, चाहे कोरमा ले लो, चाहे स्टू ले लो, चाहे नहारी ले लो। और नहारी जो है वो खासतौर से अगर माइल्ड रहेगी तो उसमें उसका ऑथेंटिक टेस्ट आएगा, उसमें ग्रेवी का भी मज़ा आएगा, उसके अंदर मटन का भी मज़ा आएगा, उसके अंदर रोगन को देखोगे तो दिखने में भी अच्छा लगेगा वो, और टेस्ट में भी आपको अच्छा लगेगा वो। जयपुर की नहारी तीखापन लेके आता है, तीखा किसी भी डिश के अंदर है ना, तीखापन बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। ऑथेंटिक टेस्ट अगर चाहिए तो आपको मिर्ची हल्की रखनी पड़ेगी, वरना लोग ऑथेंटिक टेस्ट को दबाने के लिए मिर्चें तेज़ कर देते हैं। अच्छा। तो आदमी को चटपटा खा के और मज़ा आ जाता, बोलता है मज़ा आ गया, लेकिन वो ऑथेंटिक टेस्ट नहीं है। मिर्चें तेज़ करना कोई टेस्ट नहीं है। इसके अंदर प्याज डाल दिए, प्याज की बुनाई होते हुए करीब 20 से 25 मिनट हो चुकी है, और रंगत देखिए इसकी एक बार आप, क्या बात है यार। ये डार्क हो गया, रंगत अब डार्क हो गई। जी जी, डार्क हो गई, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो, और बुनाई भी प्याज डालने के बाद भी 15 मिनट और बुनाई हो गई, तो लगभग इसको 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं। अब क्या डालेगा सर? अब इसके अंदर सर अपन डालेंगे नहारी का ऑथेंटिक मसाला, ऑथेंटिक टेस्ट, बल्ली मरान की जान, वो हम डालेंगे इसके अंदर। सारे मसाले अपने दिल्ली से आते हैं, यहाँ से लोकल में सिर्फ गोश्त आ रहा है और पानी आ रहा है बस, इसके अलावा कोई भी चीज़ जो है वो अपन लोकल नहीं ले रहा, सारा चीज़ दिल्ली से आती है अपनी। ये हमारा मसाला जा रहा है अब देख के अंदर, क्या बात है। मसाला डलते ही खुशबू रिलीज कर दी इसने ना, खुशबू रिलीज हो जाएगी अब इसकी। ऑथेंटिक नल्ली निहारी खिलाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हो गई अब इसकी बुनाई, इसकी बुनाई होगी सर। ये मसाला डालने के बाद, पाँच सात मिनट, 10 मिनट बुनाई करनी होती है इसकी। जी, वो कर दी। अब अपन ऐड करेंगे इसके अंदर बेसन। आप ले रहे हैं बेसन, बेसन कितना है ये? बेसन सर 250 ग्राम। तो ये डलेगा दोस्तों आप बेसन इसमें, और मेरे ख्याल से बेसन डालते ही और सत्तू डालते ही चलाना बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाएगा, गुठलियां नहीं बननी चाहिए। ये सत्तू आ गया सर, तो आ गया सत्तू डाल रहा है इसके अंदर। एक तो सत्तू और बेसन में फर्क पता करना भी बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। तो ये चीज डालने से मेन तो यही होता होगा सर कि इसके बंधा, ये देखो जो अब ये कफगीर की स्पीड बढ़ चुकी है, सत्तू बेसन ऐड करने के बाद कफगीर की स्पीड बढ़ चुकी है, क्योंकि ये डालने के बाद कंटिन्यू बनाई चाहिए होती है और फास्ट बनाई चाहिए होती है इसकी। जी जी, अब इसके अंदर पानी ऐड किया जाएगा। तो देखो ये पानी भी आ गया, पानी डालने के बाद इसकी फिर बुनाई होगी। पानी लगभग कितना डल रहा है? ये पूरी डल जाएगी? ये 20 लीटर की कैन है, पूरी एक बॉटल खाली कर दिया आपने तो। जी बिल्कुल। अभी इसके अंदर बुनाई होगी तो ये पानी इसका कम हो जाएगा। एक पूरी बोतल जो अपन ने डाली है, ये 60% पानी रह जाएगा इसका, 40% जो बुनाई पे उड़ जाएगा। उसी से मसाले खुलेंगे और उसी से गोश्त के अंदर जो है गलावट आएगी, गलेगा गोश्त। क्या बात, देखो ये है ऑथेंटिक जो निहारी बनती है ना, बल्ली महारान दिल्ली स्टाइल, दिल्ली वाला टेस्ट वो इस तरह से बनता है। हालांकि हमने आपको पूरी रेसिपी दे दी, माफी चाहूंगा, लेकिन एक जो है मसाला वो नहीं दे पाएंगे हम, वो उसी का पूरा खेल है। और आपने कहा था 80 से 85 मसाले हैं उसमें। जी जी जी। तो दोस्तों देखो, इसको तो निहारी को तो ढक दिया, अब इसको हम तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद देखेंगे, है ना सर? जी बिल्कुल सर। तो सर यहाँ पे सिटिंग का कैसा रहता है? सिटिंग का सर अपना ये जो सेक्शन है, इसमें अभी तो खाना बन रहा है, शाम को अपनी डाइनिंग शुरू होती है, तो ये सारा सब कुछ बाहर चला जाता है। इसके अंदर डाइनिंग की टेबल लग जाती है, टेबल सारी पीछे लगी हुई है। अच्छा, आज आपका फोन आया था, ये शूट करना है, तो उस हिसाब से सेटअप हमने तैयार किया है। अपना टेबल वगैरह ये लगी हुई होती है अपनी, और बाकी बगल में दुकान में अपना फैमिली सेक्शन बनाया हुआ है अपन ने। अच्छा। जिसके अंदर बहुत अच्छा सा दस्तरखान बनाया हुआ है। इस तरफ अपनी बैठक है ना? जी, इस तरफ बैठक है। आइए सर।
तो ये दस्तरखान है बिल्कुल, ये दस्तरखान बनाया हुआ, ये बिल्कुल ये यूनिक सेटिंग है हमारे, जो आपको जयपुर में कहीं नहीं मिलेगी। ये लाल किला लगा रखा है जी, जी बिल्कुल लाल किला लगा रखा है जयपुर। ट्रेडिशनल स्टाइल से लोग खाते हैं बैठ, वैसा सा यहाँ पर सेटअप। के अलावा कुर्सियां भी आपने रखी, टेबल कुर्सी भी लगा रखी, क्योंकि फैमिली में कई बार बुजुर्ग लोग आ जाते हैं जिनसे नीचे नहीं बैठा जाता, जो नॉर्मल वॉक इन है लोग आकर के बैठ सकते हैं। बैचलर्स के लिए जो है साइड वाला है, तो आप लड़के लड़के आते हो तो वहाँ फैमिली हो या बुजुर्ग लोग साथ में, तो आप यहाँ भी बैठ सकते हो। और कभी खाली होता है तो वो भी बैठ सकते हैं। हाँ वो भी बैठ सकते हैं, ऐसे तो खाली तो खैर मिलेगा नहीं आपको बल्ली महाराज। सर ये तो हो गई सेटिंग की बात, निहारी हम बनवाई रहे हैं, इसके अलावा और क्या पसंद? इसके अलावा सर अपने यहाँ एक उरद गोश बनता है, वो है? हाँ वो उरद गोश हम बनाते हैं, आइए दिखाते हैं। तो ये आपने तीन चीजें बना, तीन चीजें हैं इसके अंदर, स्टू है, चिकन स्टू, ये चिकन कोरमा है, और ये उरद गोश है। ये उरद गोश का आपको टेक्सचर दिखाता हूँ, ये उरद गोश है, इसके अंदर गोश भी होगा, ये देखिए उरद के पीस आपको दिखेंगे। ये जो डिश है ये यूपी की है एक्चुअली, और जयपुर के अंदर जो है ये सिर्फ हम बनाते हैं उरद गोश। इसके अलावा अपना ये जी, ये कोरमा है अपना, ये अपना चिकन कोरमा, चिकन कोरमा है। अरे यार लुक एट दिस यार, क्या रंगत है, आप देख सकते हो दोस्तों, ये एक्चुअली इतनी बंधी हुई है, है? जी जी, ये अपना चिकन स्टू है जिसमें खड़े मसाले डाले जाते हैं, मिर्च वगैरह सब साबुत डाली जाती है इसके अंदर, इस तरीके का टेक्सचर है। में जितनी भी चीजें खड़ी डाली, जी, जी, डाली जाती है सारी है, ज्यादातर चीजें खड़ी डाली जाती है इसके अंदर। अपनी जो संडे स्पेशल रहेगी उसमें मटन निहारी मिलेगी दिन में, अच्छा। लंच के लिए 12 बजे बाद डाइनिंग शुरू हो जाती है अपनी, और एक चिकन की बहुत बढ़िया लजीज बिरयानी, मतलब ये लंच में स्टार्ट कर, ये लंच में अभी अपन संडे स्पेशल में चलाएंगे इसे, ये सिर्फ संडे को ही मिलेगी। तो ये सर अपना निहारी का जो पानी अपन ने लगाया था उसके बाद की बुनाई कम्प्लीट हो चुकी है इसकी, और अभी आप इसका टेक्सचर दिखाओ अगर भैया, टेक्सचर अभी आप इसका टेक्सचर देखेंगे तो आपको बिल्कुल रूखा रूखा दिखेगा ये, अच्छा। इसमें ऑयल नजर नहीं आएगा बिल्कुल, क्योंकि ये अब नारी थोड़ी देर बाद अपन इसको दम पे लगाएंगे, तो दम पे लगाने के बाद इसके मसाले भी खुलेंगे और रोगन ऊपर आ जाएगा। अभी देखिए रोगन कहीं नजर नहीं आएगा आपको तेल। क्या बात है दोस्तों, देखो ये है निहारी का टेक्सचर तो ले लिया है, बिल्कुल टेक्सचर ले लिया है। और ये देखो जो मटन है ना वो गलना स्टार्ट हो गया है जी, और जो बंधी है ना ये पानी डालने के बाद भी पकाने के बाद ये हुआ है, एक तो बेसन से और बेसन सत्तू, सत्तू से, और अभी भी इसमें मेरे ख्याल से अभी भी और समय लगेगा। हाँ अभी थोड़ा टाइम लगाएगा, फिर इसको दम पे लगाएंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर। तो ये दम से पहले पानी डालते जी, थोड़ा सा पानी लगाते हैं इसके अंदर, अब इसको दम पे लगाएंगे, दम पे लगाने के बाद जो है इसके मसाले भी खुलेंगे और रोगन भी ऊपर आ जाएगा इसका, अच्छा। और इसके अलावा ये नहारी एक ऐसी डिश है जो नीचे तबके से शुरू होकर के और ऊपर तक आज पहुंच गई है जी। ये मजदूर तबका जो है वो उनके पास जो गोश हुआ करता था उसको वो रात को बुनाई करके और दम पे लगा के सोते थे, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके वो निहार मुँह से नाश्ता करके और फिर अपने काम पे निकलते थे, जिससे उनको पूरे दिन ना थकान होती थी ना भूख लगती थी, अच्छा। ये बहुत पावरफुल डिश है, ये क्या एनर्जेटिक डिश है ये, मतलब इसको एक बार खा लो तो फिर पूरे दिन की गई, पूरे दिन की गई आपकी, एक बार सुबह नाश्ता इससे कर लिया आपने तो आपको पूरे दिन भूख नहीं लगेगी, क्या बात। और अब लोग इतनी हैवी चीज को रात को खाना पसंद करते, रात को खाना पसंद कर रहे हैं, इसके लिए वर्जिश भी बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। बट टेस्ट है ना सर, टेस्ट ऐसा है निहारी का, एक बार आदमी के जबान जी बिल्कुल वो रह नहीं सकता फिर नहारी के बगैर। अपना अपना जो नहारी का टेस्ट है ना वो ऐसा लोगों के मुंह लगता है कि वो मतलब कई कस्टमर ऐसे हैं मेरे जो पर डे यहाँ खाना खाते हैं, पर डे। क्या बात है दोस्तों, देखो अब जो है ना ये जो है प्रोसेस स्टार्ट हो गई है दम पे लगाने की, जिसके लिए बिल्कुल निकलनी, बिल्कुल बिल्कुल इसमें से भाप भी बाहर नहीं आएगी, खुशबू भी बाहर नहीं आएगी इसकी सर, एकदम वैक्यूम पैक हो जाएगी अपनी नहारी। अब इसके ऊपर आपने बिल्कुल इसके नाप का, बिल्कुल इसके नाप का है। अब इसके ऊपर पानी डाला जाएगा, थोड़ा सा भर के पानी रखा जाएगा और इसके ऊपर फिर वजन रखा जाएगा, वजन भी हो जाता है और स्टीम भी हो जाती है। सर पानी तो अपन ने डाल दिया इसके अंदर जी, ठीक है। अब इसको और ज्यादा वैक्यूम करने के लिए इसके ऊपर वजन डालेंगे, तो मेरे पास वेट के लिए ये इसके अंदर भी पानी भरा हुआ है, इसको उठा के जब जी इसके अंदर भी पानी है, इसको उठा करके मैं उसके ऊपर रख दूंगा तो ये बिल्कुल एकदम वैक्यूम पैक हो जाएगा, कहीं से ना खुशबू आएगी आपको ना इसकी भाप बाहर आएगी और एकदम वैक्यूम पैक हो गया। देखो ऐसी चीज ना ब्रांड नहीं बन जाती, उसके लिए बहुत सारी चीजें, बिल्कुल है ना, तकरीबन मेरे ख्याल से एक डेढ़ घंटा और रहेगी उसके बाद आपको, उसके बाद बल्ली महाराणा दिल्ली वाली जो निहारी है ना वो आज आपको खा करके बताएंगे। ये जब दिल्ली निहारी जो है वो अब 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं दम पे लगाए हुए, तो मुकम्मल हो चुकी है, एक बार चल के एक बार 1.5 घंटा और हो गया है ना, हम लोग बैठे आधे आधे घंटे पहले उसकी जो आंच है ना वो बंद कर दी गई है। अच्छा, इनका कहना है आधे घंटे पहले तो गैस भी बंद कर दी थी इन्होंने, इससे क्या है रोगन और अच्छे से आ जाता है ऊपर, बहुत बढ़िया। तो खुलेगा बस अभी जी, अब खुलने का नंबर है। चलो जी पर्दा उठने वाला है अब, जैसे ये देख खुलेगा सर, इसकी महक जो है वो आप फील करें तो फील करने लायक होगी, वो आपकी भूख और बढ़ा देगी। बिल्कुल साफ देखो टेक्सचर भी उसका दिखाइए, ये देखिए पीस की प्रॉपर गलावट है एकदम,
बढ़िया से जो गलता है दम पे लग के गलता पीस, मेरे पीस तोड़ के भी आपको दिखा रहे हैं, एकदम रेशा रेशा इसका खुल चुका है नहारी का। ये होता है ये बिल्कुल, ये ऑथेंटिक कलावट जो है नहारी की वो यही है, जो हमारी स्पेशल जो बल्ली मरान की नहारी है, बोटी बिल्कुल बिल्कुल एकदम रेशा रेशा खुल जाता है बोटी का। और इसके अंदर जो टेक्सचर है, टेक्सचर भी आप देखोगे तो आपने और भी जगह नहारी खाई होगी, देखी होगी, आपको रंगत से ही पता लग जाएगा कि कितना इसका लजीज टेस्ट होगा। चीज बनी है मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो दोस्तों अभी किस तरह से इन्होंने हाथ से करके दिखाया और बिल्कुल जो है ना रेशा रेशा अलग हो गया, बोटी अलग हो गई, रंगत आप देख सकते हो। देखो धीमी रंगत होती है हमेशा अगर निहारी बनती है तो। एक बार सर इसकी ग्रेवी भी दिखाइएगा एक बार, ये वाला पार्ट देखो जिसमें सत्तू इन्होंने डाला था, बेसन इन्होंने डाला था, ये जो ये एक्चुअल टेक्सचर है नहारी का, ये एक्चुअल टेक्सचर है नहारी का। इसलिए अब लगवाते हैं कि ऐसी नहारी जो आपने जयपुर में तो कहीं नहीं खाई होगी और जहाँ तक ये दिल्ली में भी कुछ एक जगह मिल पाएगी ये वाली नहारी, तो जो आप लगाने वाले हैं आपके लिए। देखिए सर, देखो दोस्तों एक प्लेट उठा ली है अभी ये सर आपकी नल्ली नहारी, नल्ली का पीस आ गया, ये सब खाले जा रहे हैं। नहारी के अंदर ये जो बंधा हुआ पीस है ना यही चाहिए होता है, मोटा गोश्त जो है ना वो इसी को बोलते हैं, नहारी के अंदर यही गोश्त चाहिए होता है। और ये आ गया इसके ऊपर इसकी ग्रेवी, और देखो अभी ये ना अंदर से ये देखो ये निकल रहा है रोगन, और ये आ गया इसके ऊपर, क्या बात है सर, शानदार, बहुत बढ़िया। तो ये है बल्ली महारान की स्पेशल नल्ली नहारी। जी सर, अपना ये मेकअप आ गया नहारी के लिए, ये अदरक के रेशे हैं जो नहारी के टेस्ट में चार चांद लगा देते हैं, ये इस पे डाले जाएंगे। ये देखो दोस्तों पहले तो जूलियन कट अदरक डाल दी इस पे, थोड़ी हरी मिर्च चॉपिंग की भी इसके अंदर, ये भी इसके अंदर ऐड करेंगे, और इसके बाद जो इसमें अब देसी घी का तड़का लगाया जाएगा। देसी घी का तड़का लगाया जाएगा, लगाओ भाई साहब तड़का। ये देखिए सर तड़का, क्या बात है यार, ये देखो। तो ये है मतलब, हाँ पूरा जो है इसका श्रृंगार हो गया, श्रृंगार हो चुका है इसका, ये सारी चीजें, और ये है तरीका, बिल्कुल यही तरीका है, बिल्कुल यही तरीका है नहारी पेश करने का। ये दोस्तों देखो हमारी जो है नल्ली निहारी, रंगत हमने आपको दिखा दी, जो अभी तक जयपुर में निहारी मिलती है ना वो बिल्कुल अलग निहारी होती है, उसका टेक्सचर अलग होता है। तो दिल्ली वाली निहारी होती है ना वो कुछ इस तरह से दिखती है आपको, अगर मैं इस प्लास्टिक के है ना चम्मच से भी अगर इस गोश्त को हटाऊंगा ना तो इस इतनी आसानी से हटता है। देखो ये लेवल ऑफ गलावट यहाँ पे मिलता है। और अब ज़्यादा देर नहीं करूँगा, बढ़िया रोटी ले लेते हैं, और ये जो नल्ली निहारी है ना इसका जो है जायका लेकर के देखते हैं। ये देखो गलावट चेकआउट करो यार आप, सी इस लेवल की गलावट होती है अगर आप निहारी खा रहे हो तो। को लेते हैं और ये देखो आप, ये जो है ना ये जो क्रीमीनेस आती है ना इसकी, क्रीमी टेक्सचर, बहुत बढ़िया। लेट्स हैव अ बाइट यार, ये होता है एक्चुअल टेस्ट निहारी का। बहुत मुद्दों तो बाद ऐसी निहारी खाई है, एक्चुअली दिल्ली में भी मैंने खाए हुए काफी टाइम हो गया, दिल्ली बहुत टाइम से गया नहीं हूं मैं, लेकिन जो टेक्सचर, जो टेस्ट, जो क्रीमिनेस आपको निहारी में दिल्ली में मिलती है ना एग्जैक्ट आपको मिल रही है जयपुर में। चलो अब कोई तो आ गया जो ऐसा टेस्ट लेकर के आया है, एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूँ वही नल्ली लेते हैं। गलावट यार ये देखो, हमने आपको जब सर्व कर रहे थे तब भी दिखाई थी, अभी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो निहारी एक्चुअली इसको बोलते हैं, बहुत लोग हैं जो निहारी को मतलब क्या खा रहे हैं वो निहारी के नाम पे उनको खुद को नहीं पता, बट एक्चुअली तो यही होती है। और निहारी का टेस्ट ना माइल्ड होना चाहिए, फ्लेवर्स पूरे आने चाहिए, वो सवाल। अब मैं आपको बहुत सारी चीजें बताता हूँ। बल्ली महारान ऑथेंटिक दिल्ली की निहारी है, इवन आप इनका बोर्ड देखेंगे ना तो उस पर भी लिखा हुआ है। जायका तो प्रॉपर है, दे रहे हैं, मजा आ गया ये खाकर। और इजाद भी जो हुई थी निहारी वो दिल्ली से ही हुई थी, ये सुबह का वक्त खाते थे इसलिए इसको निहारी बोला जाता है, निहार के वक्त खाया जाता था। और ये खा करके जो लोग काम पे जाते थे ना फिर पूरा दिन उनको भूख नहीं लगती थी। और ये देखो रेशा, इसकी बात हो रही है, इस गलावट की बात हो रही है, और फिर इस तरीके से एक क्रीमी जो इसकी ग्रेवी है ये डाल करके, और इस पे ये लच्छे डालो थोड़े से, है ना। और एक बोला जाता है नली निहारी के लिए बोला जाता है, अगर आपने इसको नींबू डाल के नहीं खाया ना तो फिर वो आपकी बाइट अधूरी रह जाती है। लेट्स हैव अ टेस्ट।
यार अल्टीमेट टेस्ट। बहुत कम बार होता है कि रुका नहीं जाता ना, वो वाली सिचुएशन है। मैं आपको ना बार बार ये दिखाऊंगा। देखो सबसे पहले ये तीन लेयर्स में आपको मिलता है। एक तो ये जो है बोटी, ये होती है जो गोश्त है। उसके अलावा सबसे ऊपर जो आपको लेयर दिखती है वो दिखती है रोगन की, और रोगन के नीचे जो होता है ना ये जो ग्रेवी इनकी क्रीमी क्रीमी, ये जो मैं इसके ऊपर डाल रहा हूँ, देखो ये पूरी जो है बहुत, जो मसाले इन्होंने अपने बताए थे ना, जो इन्होंने बताया था कि हमारे सीक्रेट मसाले हैं, उसका जो पूरा जायका है ना वो इस ग्रेवी में है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, देख रहे हो रेशा, देख रहे हो, इसकी मैं बात कर रहा था। तो ये लेंगे अपन, और ये थोड़ा सा इसमें जूलियन कट अदरक और मिर्ची ले लेंगे। लास्ट बाइट मैं आपको दिखा दूं, उसके बाद ना मैं इसको लपेट के खाने वाला हूं, और फिर उसके बाद में हम इस तरह से ये जो पूरी क्रीमी इसकी ग्रेवी है ना, इस तरह से डाल के देखो। निहारी खाओ ना तो हाथ खराब हो चाहे मुंह, फिर निवाले चलने दो, फिर रुको मत, फिर लो ये वाला फील, मुकाबला नहीं है इस टेस्ट का। कभी भी ये खाना हो ना, आप आ सकते हो एमडी रोड, जो मोती डूंगरी रोड है सिटी में, वहाँ पे आप जा सकते हो। वहाँ पे बल्ली महारान एक साल डेढ़ साल पहले खुला था जयपुर में, और उसके बाद इनकी जो दूसरी ब्रांच है अभी झोटवाड़ा में खुली है, झोटवाड़ा संजय नगर में। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी लोकेशन मिल जाएगी, इवन मैं कोशिश करूंगा सर का नंबर भी आपको दे दूंगा, तो आपकी कोई क्वेरी हो, आपको आना हो तो आप कॉल करके भी आ सकते हो। टाइमिंग जो है वो शाम का है फिलहाल, 6 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक आपको यहाँ पे निहारी मिल जाएगी। उसके अलावा हमने आपको दिखाया था इनके पास निहारी के अलावा तीन और चीजें हैं, इनका चिकन स्टू, चिकन कोरमा, और सबसे यूनिक एक यूपी का जायका जिसको बोला जाता है उड़द का गोश्त। जैसे दाल गोश्त होता है ना, वैसे उड़द की दाल का गोश्त, बहुत बढ़िया। तो वो भी आप यहाँ पे खा सकते हो। एक बार है ना, आप प्रेजेंटेशन पे भी गौर कीजिए, जिस तरह से इन्होंने परोसी है ना चीजें, चाहे वो निहारी हो, बिल्कुल गरम गरम इन्होंने जो है रोटी परोसी है। सलाद आप देख सकते हो बिल्कुल बिल्कुल पैक करके, इसमें से निकालते हैं थोड़ा सा प्याज, और इस जगह मैं आपको इसकी रेटिंग दे देता हूँ। और इस निहारी की रेटिंग इससे कम तो होनी ही नहीं चाहिए, बहुत आला, बहुत बढ़िया बनी है। इसकी जो प्राइस है, जो पोर्शन हमने लिया है, तो हाफ की जो प्राइस है वो स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, और इसके जस्ट बाद जो आप देख रहे हैं ये फुल की प्राइस है। बल्ली महारान झोटवाड़ा एमडी रोड, आइए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ खाइए, मजे की। दैट्स इट, आई थिंक मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। बाकी आप लोग जानते हो हम हमारी वीडियोस को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी डालते हैं, आप चाहें तो हमारी कवर की हुई जगह को डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। एसी लगा हुआ है, फैमिली डाइनिंग है। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर नाउ, अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन, किसी और नई जगह, किसी और नए जायके के साथ। Till then, be happy.